क्या हम अपने कुत्ते बार्नी के साथ खाना बना रहे हैं? यह अजीब है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे लिक्विड सेंटर वाला केक चाहिए प्लीज। ओह, यह आसान है, हम यह कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया आइडिया आया है, मैं केक बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केक पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े, इसे फैलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी जीभ का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। केक को रखें और कई बार ऐसा करेंगे। अब खाने के डब्बे का इस्तेमाल करके बीच में एक छेद बनाते हैं। मैंने अभी अभी लंच किया है, बस यह हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ पंजे के आकार की जेली चाहिए। हम उन्हें ब्लो टॉर्च से पिघलाएंगे जब तक कि वे लिक्विड ना हो जाए। यह बहुत अच्छा है। भौ भौ। अब हम केक के बीच में छेद में लिक्विड जेली डालने जा रहे हैं। नैनी ने कहा कि उसे लिक्विड सेंटर चाहिए, इसलिए मैंने उसे ध्यान में रखा है। केक को ढक दिया। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से ढकेंगे। वो वो पंजे चाट लेता हूँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने पंजे को चाटा, अब मैं इसे स्प्रिंकल्स में डुबा दिया और उसके बाद इसे लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा? मैं केक पर पाउडर वाली गम डाल रहा हूँ। मुझे सारा पाउडर गम एक सर्कल में डालना है। अब केक के बीच में गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके एक छेद काट लेता हूँ, इस तरह। वाह, मैं अंदर नीला चॉकलेट पेस्ट डालने जा रहा हूँ। यह पानी की तरह दिखेगा। पानी में छोटी छोटी गमी शार्क तैर रही होंगी। एक और गमी है, लेकिन जगह नहीं बची है। फिर मैं इसे खा लूंगा। स्वादिष्ट है। अब मुझे M&M की जरूरत है। नीली कैंडी चुनता हूँ और उन्हें डाल देता हूँ, ऐसे एक एक करके सजा देता हूँ चारों ओर। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे अपने केक पर गर्व है। ओह बार्नी, क्या तुम खेलना चाहते हैं? ठीक है, दौड़ो, बॉल पकड़ो। बहुत स्वादिष्ट। आउच, मेरे केक पर बॉल किसने फेंकी? बार्नी, नहीं नहीं बार्नी, ऐसे मत करो। वो, वो, ये मेरी बॉल है, मेरी बॉल, बॉल। तुम यहाँ छुप कर बैठी थी? ओह, वेंडी का केक खराब हो गया, ये मेरी वजह से हुआ। मैं बॉल लेकर आ गया हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वो वो, ओ नहीं बार्नी, तुम एक बुरे लड़के हो जिसने मेरा केक खराब कर दिया। मेरे पास सिर्फ हबा बबा गम बचा है, शायद मैं उसे कुछ बना सकूं। चलो पूरे केक को गम से लपेट कर सारा नुकसान छिपाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ इसे घुमा घुमा कर लगा देती हूँ। खैर, इससे केक बहुत अच्छा दिख रहा है। अब केक को जेली गम से भरते हैं। यह स्वादिष्ट है। डैनी को मेरा केक जरूर पसंद आएगा। हाँ, यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुंदर बना। डैनी जल्दी करो और चखो इसे। हुर्रे, तुम सभी ने केक बनाए, कितना अच्छा। चलो इस गुलाबी केक से शुरू करते हैं। चलो एक टुकड़ा निकालता हूँ। ओह, जेली इसमें से बह रही है, बिल्कुल मेरी तस्वीर की तरह। ये बहुत गुलाबी है। चलो एक बबल बनाता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। अब नीले रंग का केक आजमाते हैं। वाह, इतना सारा चॉकलेट पेस्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फेवरेट गमीज, कितना स्वादिष्ट। अब केक को खाता हूँ। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब बार्नी का केक आजमाते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अंदर कुछ स्वादिष्ट है, चलो इसे खाते हैं। बहुत अच्छा, मैं पक्का बार्नी को विनर बनाऊंगा। वो, वो, मेरा केक जीत गया, मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ डॉगी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ प्लीज। ओह हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं डैनी के लिए सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। मकई के दानों को पैन में डाल दिया। मैं पक्का कुछ भूल गया हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्वादिष्ट डालना है। मेरे पास डॉग फूड का एक डब्बा पड़ा हुआ है, इसे खोलते हैं और मकई के दानों में डालते हैं। ये इतना अच्छा है कि मुझे डैनी से जलन हो रही है। बार्नी, तुम कैसे हो? क्या, ये डॉग फूड है और मकई के दाने? मुझे डैनी से कोई जलन नहीं हो रही है। अब पॉपकॉर्न को कटोरे में डालते हैं। वो लेबल बदल देते हैं ताकि डैनी को पता चले कि वो भी खा सकता है। सब हो गया।
ओह कितना प्यारा, तुम बढ़िया कर रहे हो वाणी। मैं भी डैनी का पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, पैन में तेल डाल देता हूँ, फिर मकई के दाने और मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्शमेलो है, ये स्वादिष्ट होगा। हम मार्शमेलो के पिघलने और मकई के दानों के फूटने और क्रिस्पी पॉपकॉर्न में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे जो चाहे बना सकता हूँ। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बॉल्स बनाऊंगा और अब इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल छिड़केंगे। मेरी डिश तैयार है, बस जल्दी से इसे चक्कर बताओ। वेंडी तुमने कुछ बनाया? वाह शेफ की डिश बहुत अच्छी है, और मेरे पास साधारण पॉपकॉर्न है। मेरा पॉपकॉर्न बहुत बोरिंग और धीरे धीरे पकता है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं पॉपकॉर्न मशीन में मकई के और दाने डाल सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ कुछ डायनामाइट डाल दूँ तो यह तेजी से पक जाएगा। ये डायनामाइट के फटने और सारे पॉपकॉर्न के फूटने का इंतजार करना है। वाह ये एक धमाका था, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। अरे वाह ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है, डैनी ने कभी इतने सारे पॉपकॉर्न नहीं देखे होंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? वेंडी ऊपर देखो, कुछ उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं वेंडी अभी के लिए संपर्क से बाहर है। वेंडी वेंडी उठो, वो उठो। ठीक है बस हो गया, यह बहुत अच्छा था। जो भी हो पॉपकॉर्न तैयार है, डैनी इसे चक्कर बताओ। वाओ मैं कहाँ से शुरू करूँ, यह बहुत रंगीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है, और यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है, मैंने कभी पॉपकॉर्न का पहाड़ नहीं देखा। चलो इसे खाता हूँ। यह साधारण है, मैं साधारण पॉपकॉर्न से खुश नहीं हूँ। और यहाँ क्या है, यह अजीब लग रहा है। खैर चलो इसे चक्कर बताता हूँ। छी इस पॉपकॉर्न का स्वाद डॉग के फूड की तरह है। अब चलो इन रंगीन पॉपकॉर्न बॉल को खाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, इसमें मार्शमेलो है। मैं पक्का इस पॉपकॉर्न को जीत दे रहा हूँ, यह विनर होगा। हाँ मैं जीत गया, यह जीत मेरे लिए बहुत आसान थी। अब मैं खाना चाहता हूँ बर्गर, मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। बर्गर यह आइडिया अच्छा है। ओ, पैटीज के लिए कीमा बनाना शुरू करता हूँ। हम कीमा बनाने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का उपयोग करेंगे। बस वो, वो, बस ताजा कीमा तैयार है। अब इसे पैटी बनाएंगे, पैन में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, यह इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बर्गर बड़ा होना चाहिए, बहुत सारा चीज डाला, मेरा फेवरेट डॉग फूड, डैनी को यह जरूर पसंद आएगा। बन से ढक देंगे, मैं बन पर कुत्ते का चेहरा बनाना चाहता हूँ। बस तैयार है, मैंने बर्गर बनाया। क्या कुत्ते का बर्गर मेरे से बड़ा है, और उसके पास हाथ भी नहीं है, फिर भी मैं कुत्ते से हार नहीं सकता। मैं अब कुछ सोचूंगा, मुझे थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। इसे ब्लेंडर में डालता हूँ, मुझे लगता है कि ये इतना काफी है। अब दूध डालता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप, बहुत बहुत स्वादिष्ट। बस इसे अच्छी तरह से मिलाना बाकी है। बर्गर और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक, इसको ग्लास में डाला और स्ट्रॉ भी डाल देता हूँ। डैनी पक्का इसकी सराहना करेगा। कैसा लगा? वाह शेफ ये शानदार है, हम एक ही समय में पी और खा सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं क्या करूंगी? बिल्कुल मैं डोनट से मीठा बर्गर बनाऊंगी। डोनट को दो हिस्सों में काट लिया, अब हमें स्टीम के डब्बे से अनानास के रिंग्स निकालने की जरूरत है। ओ मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ, बार्नी प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हारे पंजे वाकई बहुत तेज है, मेरे डब्बा खोल दो। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। डोनट बर्गर को असेंबल करते हैं, फिर अनानास के रिंग्स, रेनबो जेली, फिर और अनानास और जेली, एक और लेयर। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालें, डोनट के दूसरे हिस्से से ढक दें। वाओ क्या स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप है। उप्स डैनी सब हो गया, तुम इसे चख सकते हो। वाओ आप सबने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे बर्गर बनाए है। मैं सबसे बड़े वाले से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या, इसमें तो डॉग फूड है, लेकिन मैं आदमी हूँ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है? वाह ऊपर से बर्गर के साथ मिल्क शेक, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मिल्क शेक स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने बर्गर मांगा था। चलो इसे खाता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। अब सबसे अलग डोनट बर्गर आजमाने का समय आ गया है। ये एक मीठा बर्गर है, इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
मैं पक्का मीठे बर्गर को विनर बनाऊंगा। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, मेरी जीत! ये मेरी पहली कलिनरी जीत है। ओह, माफ करना बार्नी, का स्वागत है। आपका पहला टास्क केक बनाना है। वाह, ये बहुत बढ़िया है। काम पर जाने का समय हो गया है दोस्तों। रुको दादी, चलो रॉक पेपर सीजर से पता लगाते कि कौन पहले करेगा। वो, मैं जीत गया। मुझे लगता है मैं सबसे ऊपर वाला केक खाऊंगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ बीच से काटने और न्यूट्रेला से भरने के लिए एक सांचा है। हाँ, ये हो गया। ओह, यह कैसा मजाक है। तुम्हें अपने बड़ों को पहले मौका देना चाहिए। जानवर पहले करेगा। ओह, क्या ट्विस्ट है। यह कैसा हेयर क्लिप है। यह दादी का जबड़ा है। छी, कितना डरावना है। इसे जल्दी से हटाओ दादी। धन्यवाद, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ओह, कितना चालाक है, उसने न्यूट्रेला ले लिया। माफ करना दादी, लेकिन हर कोई जानता है कि इसके बिना केक नहीं पकाना बेहतर है। वाह, फिलिंग तैयार है, अब क्रीम की बारी है। वाह, इसे मिला दिया। और क्या स्वादिष्ट हड्डियां हैं। मुझे उनसे केक सजाना चाहिए। मैं इसे खाना चाहता हूँ। ओह, थोड़ा ऊपर भी डाल देता हूँ। और बस इधर। शेफ बानी खुद को कंट्रोल करना जानता है। बहुत मीठा। फिर दादी को शहद लेना होगा और उसे फिलिंग बनानी होगी। ओह, मैं शहद की चमक और अपने फेवरेट तरबूज जेली बीन्स के बारे में तो लगभग भूल ही गई हूँ। हाँ, ये रहा मेरा कैंडी। वाह, ये क्या है, मीठी गंध कैसी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं जेली बीन्स की गंध पहचानता हूँ। शांत हो जाओ बार्नी, ये छोटी बेबी के लिए है। मैं केक को और अधिक चमकीले ढंग से सजाना चाहती हूँ ताकि उसे ये पसंद आए। कूल दादी, आपने बहुत अच्छे से इसे सजाया है। वो, मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है और उसे भी ज्यादा उन्हें फोड़ना। लो, इसे तुम भी चबाओ बार्नी, लेकिन गम को निगलना मत। हम ठीक है। हाँ, अभी मेरे मन में एक शानदार आइडिया आया है। मैं एक ग्लास में सारा गम इकट्ठा करूंगी और फिर उसे हेयर ड्रायर से पिघलाऊंगी। फिर मैं केक के लिए एक बढ़िया फिलिंग बना सकती हूँ। थोड़ा और, बस अब यह होने वाला है। मुझे यकीन है कि मेरी बहन इसे पसंद करेगी। लेकिन लगता है कि कुछ कमी है। मुझे केक को सुंदर बनाने के लिए गम से सजाने की जरूरत है। इसे इसके चारों ओर लपेटती हूँ। तड़ाम! बॉन एपिटी। वाओ, आप सबने कितना अच्छा बनाया है। मैं बार्नी के केक से शुरुआत करूंगी। वाओ, ये बहुत चॉकलेटी और वाकई स्वादिष्ट है। उफ, क्या ये हड्डियां है? नहीं, मैंने अपना विचार बदल दिया है। और मेरी बहन ने जो बनाया है उसे चख कर देखना चाहिए। वो, वाओ, वो जानती है कि मुझे गम कितना पसंद है। धन्यवाद क्लोई, बहुत अच्छा, तुम्हारा केक बहुत बढ़िया है। और वाओ, ये कितना सुंदर है। मुझे गम वाली फीलिंग खास तौर पर पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और अब सिर्फ एक केक बचा है जो दादी ने बनाया है। इसमें भी बहुत बढ़िया फीलिंग है। मुझे ये पसंद है। वाह, दादी जीत गई। हुर्रे, बधाई। इस बार प्लीज मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बहुत बढ़िया टास्क है, मैं भी शुरू कर रहा हूँ। मैंने आटा गूंथना शुरू किया है। ओह, यह बहुत चिपचिपा है। ओह, मेरा सिर, मुझे चक्कर आ रहा है। ओह, लगता है अपनी जगह पर है। बहुत बढ़िया। बस, ये पिज्जा बेस तैयार हो गया है। और
पहला इंग्रेडिएंट ताजा टमाटर है और साथ ही बहुत सारा चीज और पेपरोनी भी। बस इन सभी को काटना बाकी है और यह एक बेहतरीन डिश बन जाएगी। ओह सावधान, वे हम पर आ रहे हैं। वाह वाह, शांत हो जाओ, मैंने कर लिया। यह कितना सुंदर है, यह अब तक का सबसे बढ़िया पिज्जा है। मैं इसे खाने से कैसे रुक सकता हूँ? नहीं, इसकी सुगंध मुझे दीवाना कर रही है। मैं सॉसेस का एक टुकड़ा खाऊंगा। ओह मजा आ गया, मैं रुक नहीं सकता। वो मैं पूरा खाऊंगा। ओ बार्नी, तुमने सब खा लिया? यह सही है, जल्दी हो गया। गलती से यह हो गया, प्लान बी के साथ जाने का समय है। मुझे लगता है मेरे पास कुछ फेवरेट स्नैक्स बचे हैं। मैं उन्हें बेबी को खिलाऊंगा। मुझे बस अवन में इस पिज्जा को बेक करना है। क्या ये हो गया? हाँ, यह तैयार है। अच्छा काम दोस्त। मैं पिज्जा नहीं बनाना चाहती, मैं इसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाऊंगी। क्या खुशबू है! वाह, इतनी जल्दी ये आ भी गया और खुशबू तो कमाल की है। अब मैं इन पिज्जा से पूरा केक बना सकती हूँ। ओह बार्नी, क्या मैं तुम्हारा केचप ले सकती हूँ? धन्यवाद। ओ ओ ओ, तुम इसे गलत जगह पर डाल रहे हो। उफ, रुको। ओ माफ करना क्लोई, वो ये बस अपने आप हो गया था। ओ क्लोई, बहुत अच्छी लग रही है। अब समय आ गया कि मैं अपना पिज्जा निकालूं ताकि वह जल ना जाए। कितना सुंदर है, मैं एक शानदार चेहरा बनाऊंगी। हब्स की मूंछें, चीज और बारबेक्यू सॉस से आंखें। डिनर तैयार है। हाँ हाँ, बॉन एपिटी। चलो इसे चक्कर बताओ। ओ वाव, तुमने मेरे लिए पिज्जा केक बनाया। वाव, कितना बढ़िया, मैं हमेशा से ऐसा कुछ चाहती थी। बहुत अच्छा। वाह, मजा आ गया, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब देखें और दूसरों ने क्या बनाया है। यह क्या, इन कचड़ों के साथ किसने पिज्जा बनाया है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे छूना भी नहीं चाहती। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं दादी के पिज्जा का एक टुकड़ा खाना पसंद करूंगी। बहुत बढ़िया है। और विनर कौन होगा? विनर है बहन। अरे मैं जीत गई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो लिटिल सिस्टर। आपका आखिरी टास्क पैनकेक बनाना है, तो जल्दी से काम पर लग जाइए। जो सबसे अच्छा बनाएगा वो जीतेगा। वो यह सही है, यह शेफ ऐसे टास्क आसानी से संभाल सकता है। स्वादिष्ट पैनकेक बनाने के लिए हमें अच्छा बैटर तैयार करना होगा। सबसे पहले कटोरे में अंडा तोड़कर डालें, फिर उसमें आटा और दूध मिलाकर मिक्स करेंगे। और हाँ, इसे खुद नहीं खाना है। लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह रे, पहला पैनकेक लगभग तैयार है, हम इसे पलट सकते हैं। बढ़िया, मुझे लगता है कि बेबी को यह फनी फेस बहुत पसंद आएगा। ऐसे, ये मेरे चेहरे की तरह है। बहुत ही अच्छा है। बुरा नहीं है बार्नी, लेकिन मेरी राय में इस गैजेट का उपयोग समान और सुंदर पैनकेक बनाने के लिए करना अच्छा रहेगा। मैं स्वाद के लिए चॉकलेट डालूंगी और फिर यह एक अच्छा फीलिंग हो जाएगा। क्या खुशबू है। और पूरी तरह से खुश होने के लिए बस मैपल सिरप की कमी है, इसे डाल देती हूँ। नहीं 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 बार्नी, तुम नहीं खा सकते। चारा बार्नी भूखा है। उदास मत हो, हम तुम्हें जल्दी खिलाएंगे। मैं बस ड्राइंग खत्म करूंगी और फिर बेबी को मीठा पैनकेक खिलाऊंगी। वाओ, देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। अब इसे पलट दिया और इसे प्लेट में निकाल दिया।
बस अब यह खाने के लिए तैयार है। बोन एपिटी बेबी। हुर्रे, मैं इन खूबसूरत पैनकेक का कब से इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इन्हें किसने बनाया है, लेकिन मुझे ये चॉकलेट के साथ बहुत पसंद है। अद्भुत स्वाद। और अब क्या ट्राई करूं? इसे ट्राई करती हूँ। ये मेरी बहन ने बनाया है और मेरी बहन को पता है कि मुझे कैसे खुश करना है। यह कमाल का है। शुक्रिया। वाह बार्नी, तुमने तो बहुत अच्छा किया है। मैंने तुम्हारा पैनकेक पहचान लिया और तुम्हें पता है मुझे ये बहुत पसंद आया। वाह बहुत बढ़िया है। और बार्नी हमारा फेवरेट शेफ जीत गया। ओ, मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, शुक्रिया दोस्तों। वो वो। हेलो बार्नी, चलो खेलते हैं। दोस्तों हमारे पास एक चुनौती है। आपका पहला काम हॉट डॉग बनाना है। वाओ बढ़िया। शुरू करने के लिए मैं एक गर्म ब्रेड लूंगा और उसमें अपनी पसंदीदा केबल और ग्रेवी भरूंगा। वाओ। ढक्कन हटाया और इसे ब्रेड पे डालता हूँ। क्या खुशबू है। वाओ। ओ, वो, वो। हमारा प्यारा दोस्त कहाँ जा रहा है? मैंने अपनी हड्डी घर पर ही छोड़ दी है, लेकिन मैं वास्तव में इसे बेबी को देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगी। चलो बार्नी। वाह धन्यवाद माइली। आपको बस इतना करना है कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें केचप मिलाना है। अब खाना तैयार है और मैं सॉसेज के साथ एक स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाना चाहती हूँ। अरे वाह माफ करो, मुझे इतनी भूख लगी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ आधा बचा है। अफसोस की बात है, इसमें केचप और मस्टर्ड मिलाना होगा। वाओ आह ये कैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से जरूरत से ज्यादा है। केचप की जगह ज्यादा मीठे चेरी टमाटर और दो और सॉसेज चीज और तले हुए प्याज मिलाना बेहतर होगा। ओह क्या खुशबू है। बॉन एपिटीट। वाओ कितने स्वादिष्ट हॉट डॉग है। शायद मैं सबसे अलग दिखने वाले से शुरू करूंगी। ये हाँ चलो। सॉसेस कहाँ है? मेरे मुंह में सिर्फ केचप और ब्रेड है। ओह ऐसा लगता है मुझसे पहले ही कोई ये हॉट डॉग खा चुका है। छी कितना खराब। क्या बकवास है। अच्छे बार्नी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ओह क्या ये हड्डी वाला हॉट डॉग खाने लायक भी है? देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये हड्डी बिल्कुल पत्थर जैसी है। मैं इसे चबाना नहीं चाहती। उफ बार्नी। माफ करना दोस्त। और यहाँ शेफ का हॉट डॉग है। मैं दूर से ही इसकी खुशबू सूंघ सकती हूँ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बढ़िया यही तो चाहिए। बस ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। और ये तय हो गया कि शेफ जीत रहा है। हाँ ये हुर्रे बार्नी मुझे किश करने दो। और इस राउंड में मुझे चाहिए पिज्जा। क्या आप ये बना सकते हैं? पिज्जा आसानी से। रेसिपी 300 ग्राम आटा 3 अंडे मक्खन खमीर और पानी। जरूरी बात यह है कि सब कुछ अच्छी तरह से मिला ले और आटे को एक पतली परत में बेल ले। लेकिन इस बेलने में मैं माहिर हूँ। ये रहा बेलन और मैं इसे अच्छे से बेलूंगा पतला। यह कितना मुश्किल है। भारी लग रहा है। मैं इसे मुश्किल से बना पा रही हूँ और डो बेकार लग रहा है। बाढ़ने की तरह नहीं, ये गो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। अरे दोस्त खेलना चाहते हो?
उफ, ये कितना खराब दिख रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। दोस्त, खेलना चाहते हो? जाओ बॉल पकड़ो। और मैं अपने डो के बजाय तुम्हारा डो बेक करूंगी। मैं कितनी चालाक हूँ। क्या अच्छा नहीं है। और पिज्जा के लिए सलामी और चीज बहुत बोरिंग है। आओ देखें कि सोफी नट बटर और मेरी फेवरेट चॉकलेट के बारे में क्या कहती है। मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद आएगा। ओह, ऐसे पिज्जा को तो मैं खुद भी मना नहीं करूंगी। इसे और अच्छा बनाने के लिए अधिक से अधिक स्ट्रॉबेरी और रंगीन स्प्रिंकल्स डालने की जरूरत है। ये गए स्ट्रॉबेरी, स्प्रिंकल्स, चॉकलेट। वाह, मामा मिया, मीठे पिज्जा को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अच्छी बात है कि इसे करने के लिए मेरे पास एक शानदार योजना है। कौन सा? ये सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा दोस्तों। तो हमने चीज, सलामी और टमाटर को काट लिया और अब हमने इन सभी पिज्जा सामग्री को क्रोसॉन में डाल दिया और बस तैयार। मेरी मास्टरपीस लगभग तैयार है। मुझे बस इसे अपने सीक्रेट हथियार तीखी मिर्च के साथ फ्राई करना है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, देखो चीज कितने अच्छे से पिघल रहा है। ओह, मुझे बॉल मिल गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, अरे शेफ और माइली ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरा डो कहाँ है? उफ, ओह सॉरी बार्नी, तुम मेरा ले सकते हो। समय खत्म हो गया दोस्तों, तुम तैयार हो? हुर्रे! मैं तुम्हारा पिज्जा टेस्ट करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओह, लेकिन बॉल के साथ इस कटोरे का पिज्जा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। छी, कितना गंदा है। बार्नी, तुम चैलेंज से बाहर हो। लेकिन मेरी बहन का पिज्जा बहुत बढ़िया लग रहा है। अद्भुत स्वाद, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, बहुत अच्छा। और शेफ ने हमेशा की तरह इस काम को क्रिएटिव तरीके से किया है और मेरे लिए पिज्जा बनाया, लेकिन आइसक्रीम के रूप में। वाह, अब मैं इसे चखकर देखूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत। याम, देखो चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट बेरी है, इसलिए इस बार मेरी बहन जीत रही है। वाह, क्या सच में? ये हुर्रे! और अब मुझे बोतल में जेली चाहिए। आगे बढ़ो दोस्तों। सबसे पहले मैं सूखा खाना डालूंगा, जो मैं हमेशा नाश्ते में खाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहद कहाँ से मिलेगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। नहीं, माफ करना बार्नी, ये एक प्रतियोगिता है। मैं तुम्हारे साथ शहद नहीं बांट सकती, लेकिन मैं तुम्हें खास ड्रेस दूंगी ताकि जब तुम उसे इकट्ठा कर सको, जिससे मधुमक्खियां तुम्हें डंक ना मार सके। धन्यवाद, मुझे एक छत्ता मिल गया और अब मैं शहद को सीधे बोतल में डाल सकता हूँ। धन्यवाद मधुमक्खियाँ। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, देखो कितने अच्छे से जा रहा है। लेकिन ये मधुमक्खियाँ, लगता है मैं शेयर नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मेरी जेली के लिए सबसे अच्छी फीलिंग कैंडी होगी। अगर मैं उन्हें रेनबो के रंगों के क्रम में डालूं तो ये बहुत सुंदर लगेगा। कूल! वाओ, देखो बोतल में डालता हूँ एक के बाद एक लेयर, सब मिक्स नहीं करना है। सारे रंग है यहाँ इंद्रधनुष के। वाह, बहुत बढ़िया। और अब हनी को सबसे अंत में डालेंगे। वाव, परफेक्टो। अब इसे बंद कर देता हूँ और यह लगभग तैयार है।
मुझे कोला बहुत पसंद है। मैं भी कुछ जेली बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सोफी को यह बहुत पसंद आएगी। और मेरी राय में शहद और कोला एकदम सही कॉम्बिनेशन है। वाह, कितना बढ़िया, बहुत मीठा, स्वादिष्ट। ओह, गुदगुदी लग रही है बार्नी। कितना बढ़िया, क्या तुम सब तैयार हो दोस्तों? हमारी जेली को बोतल में जमाने का समय आ गया है। क्या सभी के पास फ्रीजर है? तो चलो। ओह, मुझे जल्दी करना है, मुझे करने दो। ओ, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम सब तैयार है। अरे वाह, क्या बात है, हुर्रे! तुम लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। मुझे लगता है मैं अपनी बहन द्वारा बनाई गई जेली से शुरुआत करूंगी। ये बहुत रहस्यमय लग रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसमें क्या मिलाया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कुछ मीठा और स्वादिष्ट है। सुपर, मुझे बहुत पसंद आया। माफ करना, बहुत बढ़िया था। वाव, यह बोतल, कितने अच्छे से इसमें कैंडी डाले गए हैं, और ये कितना रंगीन दिख रहा है। इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत बढ़िया शेफ, आप हमेशा बहुत कुछ अलग ही करते हो। वाह, और यह क्या है, बार्नी ने क्या बनाया है? बार्नी ने कुछ कुत्ते के खाने की जेली बनाई है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, भयानक। ओह बार्नी, तुम कितनी अच्छी मुस्कान दे रहे हो, मेरा मतलब नहीं। ओह, उसने मुझे बहुत खुश करने की कोशिश की है। ओह, तुम कितने प्यारे हो बार्नी, मैं क्या करूं? सही में हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो ठीक है, बार्नी जीत गया। हुर्रे! हम सब दोस्त हैं। मैं खुश हूँ।